हेलो माय डियर स्टूडेंट वाईफाई स्टडी सर्कल सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई एम एस एन यादव आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर टू हो गए इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंट्रोडक्शन देखे और कुछ उनका कंपैरिजन के देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं रिसोर्स क्या है कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं और हमारे लाइफ में उसका क्या यूज़ है उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सबको कंपेयर किए कुछ स्ट्रक्चर देखे केमिकल बॉन्डिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देखें तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे कार्बन पढ़ेंगे कार्बन एंड इश्त कंपाउंड क्या होते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है और फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर डबल वन ट्रिपल एल्कीन एल्किल्के और एल्काइन पढ़ेंगे ओके तो फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कुछ चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं जो छूट गया हुआ है जैसे बहुत आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O का स्ट्रक्चर बनाइए लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए सी ओ टू तो इसका तो हमने बना लिए थे लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है यस एट का स्ट्रक्चर बनाना है यस एट का या सी एच फोर का बनाना है किसी का भी तो ये हमारे हो गए हैं ओके ये अभी नहीं हुआ है यस एट ये सल्फर है और सल्फर का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन होते हैं ओके तो के एल एंड एम के के पास टू इलेक्ट्रॉन एल के पास एट इलेक्ट्रॉन और एम सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन ये होते हैं आउटर सेल में टू इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे नीड है ओके आउटर सेल में अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल टू इलेक्ट्रॉन की नीड है टू एट एट 18 एटीन थर्टी टू एंड थर्टी टू ये ऑक्टेट रूल होता है ओके ऐसे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन की नीड है आउटर सेल में तो अगर टू इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा आइए देखते हैं यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम सिक्सटीन ग्रुप के हैं तो टू इलेक्ट्रॉन की उसके पास भी नीड होती है ऑक्सीजन के पास भी इनके सभी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सभी को इलेक्ट्रॉनों की नीड होती है वो भी टू इलेक्ट्रॉन की तभी ऑक्टेट कंप्लीट होंगे अब यह एट का स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं फर्स्ट सेल में फर्स्ट सेल सेकेंड सेल या हम बोलें कि थर्ड सेल तो चलिए कि हम फर्स्ट सेल देख लें फिर सेकेंड सेल देख लें फिर थर्ड सेल देख लें तो ये और भी डाइग्राम हो जाता है फर्स्ट सेल के पास इलेक्ट्रॉन फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन ये इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है अब यस एट की यस एट की बोला गया कि यस एट का मतलब कि आपको कुछ ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सल्फर इसके आउटर सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन देखिए सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन आउटर में इसके सभी में सिक्स इलेक्ट्रॉन ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं ओके okay? तो ये यस एट है अब इनको ये कंबाइन कैसे करते हैं ये चीज देखना है यहाँ पे है ना बेटा तो यही इम्पोर्टेंस होता है कि ये कैसे कंबाइन करते हैं तो इसकी बैलेंसी हालांकि एट तक आ, बैलेंसी जो होती है आ, प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स ऐसे बैलेंसी होती है मतलब इसके पास ड्यू टू इट्स डी डी ऑर्बिटल इसके पास डी ऑर्बिटल होता है इसी वजह से ऐसा होता है तो देखिए यहाँ पे हम यस एट का स्ट्रक्चर कुछ क्राउन सेप में बनता है क्राउन सेप आपने क्राउन देखा होगा कि क्राउन कैसे होता है यू क्वीन वाला क्राउन होता है है ना वैसे ही सल्फर एंड सल्फर सल्फर ओके तो ये सल्फर इनके इलेक्ट्रॉन कितने हैं इलेक्ट्रॉन इनके पास टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन है ओके तो सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे देखिए हर आ, सल्फर के पास ये फोर और रिमेन टू पार्टिसिपेट हो गए इसमें टू फोर एंड रिमेन टू इसमें पार्टिसिपेट हो गए फोर और इसके टू इधर पार्टिसिपेट हो गए फिर इसके जो टू थे वो इसमें पार्टिसिपेट हो गए इसके फोर इलेक्ट्रॉन टू इसके इस सल्फर के साथ पार्टिसिपेट हो गए एंड दिस ओके ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंड ये फोर अब इसके टू इसके साथ पार्टिसिपेट हो गए तो देख रहे हैं कि सभी के पास ये ऐसे स्ट्रक्चर कुछ बनता है क्लियर हो रहा है तो ये कंबाइंड कैसे हुए हैं इनको आपको ध्यान में रखना होगा एट कोवाइलेंट बॉन्ड आर फॉर्मड दिस इज द मतलब आप ये समझ सकते हैं इसको ये एक्चुअल में था कैसे सल्फर प्लस सल्फर प्लस सल्फर प्लस एंड सल्फर प्लस सल्फर प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना सल्फर सभी के पास ये इस तरह इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो इसको आपको समझना जरूरी है तभी क्लियर हो पाएगा कि ये क्राउन से बनता कैसे है अब इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो ये सल्फर अब ये एक्चुअल में ये जो लोन बेयर होते हैं वो क्राउन सेप में बना देते हैं तो क्राउन सेप में कुछ ये ऐसे कुछ बनाते हैं ये तो ये सल्फर है ओके दिस इज द सल्फर ये इस कॉर्नर पे सल्फर है तो यहाँ पे ये सल्फर है आई होप क्लियर हो रहा होगा अब ये ऐसे क्यों हो जाता है उसका रीजन होता है कि ये इसके पास लोन पेयर होते हैं तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर टू लोन पेयर हैं टू लोन पेयर हैं और यहाँ पे रिपल्सन करते हैं यहाँ पे रिपल्सन कर रहे होते हैं लोन पेयर लोन पेयर तो ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाते हैं ये इधर को शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे ये रिपल्सन होने लगते हैं ओके रिपल्सन होते हैं अब यहाँ पे ये रिपल्सन ये लोन पेयर ये लोन पे तो ये इधर को साइड हो जाते हैं तो ये इधर ऐसे तो ये लोन पेयर की वजह से होता है तो ये क्राउन सेप यस एट का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये यस एट का स्ट्रक्चर हो गया है आई होप कि आप समझ गए होंगे तो दिस इज द बिफोर कॉम्बिनेशन दिस इज द बिफोर कंबिनेशन एंड दिस इज द आफ्टर कॉम्बिनेशन आफ्टर कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द क्राउन ओके तो इसको हम क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं क्राउन सेब क्राउन सेप बोलते हैं तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा तो ये सब चीजें आपको क्राउन मॉलिक्यूल क्लियर हुआ होगा ओके okay? तो यह सेट का स्ट्रक्चर कई बार पूछा जा चुका है और इसको आप बनाना सीख लें बेहतर होगा लोन पेयर की वजह से ऐसा यहाँ पे हो जाता है आउटर सेल में सल्फर uh, के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये यह, uh, यहाँ पे ये यह देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टू टू फोर फोर और टू सिक्स टू एट ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया ये भी ऑप्टेट कम्प्लीट किया हालांकि बैलेंसी प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स और भी हो सकते हैं लेकिन इतने में जब काम चल गया तो कोई दिक्कत नहीं जैसे कि और कैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन अगर ऐसे जुड़ा हुआ हो ये तो टू यहाँ पे ए, कितनी बैलेंसी हो गई टू टू फोर टू सिक्स अगर इस तरह हम कह दें अगर इस तरह ऐसे कहते तो ये भी सही है अगर इसको हम ऐसे कर दें लेट सपोज दैट कि ये ये कितने हो गए फोर टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स ये भी इसका स्ट्रक्चर इस सही है तो बैलेंसी इस तरह वेरी करते रहते हैं प्लस मतलब ईवेन में होना चाहिए बैलेंसी वो आगे डिस्कस करेंगे बस यहाँ पे इतना आप समझिए कि यस एट का स्ट्रक्चर ये होता है अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हेडिंग आप डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज एलोट्रोप्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ ऑफ कार्बन एंड कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज कार्बन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन की ए, क्या प्रॉपर्टीज होती है और उसके एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं एलोट्रोप्स कार्बन के ग्रेफाइट है डायमंड है और इनका यूज बहुत ही यूज भी है और ग्रेफाइड मतलब आप जो पेंसिल रबर यूज करते हैं तो उसमें यू पेंसिल में जो सिल्वरी ग्रे कलर का कर लगा हुआ होता है है ना सिल्वरी ब्लैकिस कलर होता है तो वो ग्रेफाइड का होता है इलेक्ट्रिसिटी उसमें वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग होता है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है है ना कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का मोबाइल होता है क्योंकि ग्रेफाइड में तीन कार्बन तीन थ्री वैलेंसी तो होती है लेकिन फोर्थ वायलेंसी वैकेंट रहता है तो उसी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल करते रहते हैं तो इसकी सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है ग्रेफाइड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है ग्रेफाइड में इलेक्ट्रिक कंडक्ट uh, किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है लेकिन डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ डायमंड डायमंड इज द बैड कंडक्टर ओके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है फ्लो नहीं होता है एंड uh, तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे कैटानेसन क्या होता है इंपॉर्टेंट है कैटानेसन ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो तो यहाँ पे हम सबसे पहले काइटनेशन देखेंगे काइटनेशन क्या होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में जो कार्बन जुड़ते रहते हैं कार्बन चेंज जुड़ती रहती हैं ओके तो उसी को हम काइटनेशन बोलते हैं तो फर्स्ट हेडिंग कार्बन एटम बढ़ने से पहले कार्बन एटम को एलेक्ट्रोफ ऑफ कार्बन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट कार्बन देखेंगे और फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम कैटनेशन देखेंगे ओके okay, हेडिंग डाल लीजिए कैटनेशन तो ये यह यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कैटनेशन क्या होता है और कार्बन का कार्बन की सबसे पहले आप देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है, Z 4 होता है है और 4, ये के और K और एल सेल में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ओके तो इसको हम कह सकते हैं कार्बन का कोट्रा uh, वैलेंसी uh, होती है ये वैलेंसी कार्बन होते हैं इसके आउटर सेल में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं फोर इलेक्ट्रॉन की नीड होती है वो को ये इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके कोवाइलेंट बॉन्ड बनाते हैं ओके एंड कैटनेसन क्या होता है कैटनेसन आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो कार्बन कार्बन की चेन बन रही हो सेम सेल्फ लिंकिंग कर रहा हो कोई चेन बना कार्बन कोई सेल्फ लिंकिंग करके चेन बनाए या साइकिल बनाए है ना लॉन्ग चेन बनाए या स्मॉल चेन बनाए उसी को काइटनेशन बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए ये कार्बन है कार्बन 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 ऐसे जुड़ जाए तो इसके पास ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन तो इसकी बैलेंसी कार्बन की फोर होती है तो ये कैटनेशन किया अगर सेकेंड फर्स्ट इज द दिस एंड सेकेंड की बात करते हैं कैटनेशन लॉन्गेस्ट चेन और लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकिंग कार्बन कार्बन यहाँ पे सेल्फ लिंकिंग करिए देखिए ये कार्बन uh, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में शेयरिंग शेरेंगी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेरेंगे इसी को कैटनेशन करते हैं कैटनेशन बोलेंगे तो यहाँ पे ये यह और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन किया

ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑर्डर टू फॉर्म स्टेट चेन, स्टेट चेन ओके ब्रांच चेन एंड साइकिल चेन इज डिफर साइज इन नोन इज द कार्टनेशन लाइक दिस यहाँ पे साइकिल अगर बनाएगा तो थ्री कार्बन मिनिमम थ्री कार्बन होना चाहिए तभी साइकिल पॉसिबल है और ये ये सेल्फ लिंकिंग करके एक साइकिल बनाया तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ क्योंकि इसकी बैलेंसी टेट्रा बैलेंसी होती है टेट्रा बैलेंसी होती है कार्बन की बैलेंसी क्या होती है टेट्रा टेट्रा बैलेंसी टेट्रा वैलेंसी दैट मीन्स की फोर ओके okay? तो इस तरह चेन का फॉर्मेशन सेल्फ लिंकिंग करे या फोर कार्बन से जुड़ करके फोर कार्बन तो यहाँ कार्बन यहाँ पे कार्बन होगा यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे ये हाइड्रोजन ओके ये हाइड्रोजन यहाँ से जुड़े हुए होंगे या फाइव मेंबर रिंग के कार्बन बना रहे हों फाइव मेंबर के फाइव मेंबर मतलब कार्बन फाइव हो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो ये राउंड या आर्क लेकर करके नहीं करेंगे इसको है ना कभी भी बनाना होगा तो ऐसे ऐसे करेंगे कभी ऐसे नहीं होगा कि यार कार्बन अब कहाँ बैठाएंगे इस तरह नहीं होगा तो दिस इज द रोंग मेथड दिस इज द ट्रू ऐसे कर तो जो यहाँ पे जस्ट टर्न हो रहा हो तो उसको कर्व ना हो तो वो कार्बन वहाँ पे होता है इस तरह ये कार्बन होता है तो इसकी बैलेंसी अगर हम कंप्लीट करें तो ये इसकी बैलेंसी होगा सेल्फ लिंकिंग हुई है तो ये कैटनेसन है आई होप कि आप समझ गए होंगे काटनेशन इसकी भी फोर बैलेंसी सभी कार्बन की यहाँ पे फोर बैलेंसी है अगर हम बात करें नेक्स्ट की यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं कोई साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन दैट मीन्स कि सिक्स मेंबर सिक्स uh, कार्बन की एक रिंग बनाते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब इसकी बैलेंसी हर कार्बन की बैलेंसी फोर होना चाहिए तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन का यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पाई बॉन्ड भी हो सकता है और सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड ये आपको याद रखना होगा कि हो सकता है कि वो सिग्मा बांड भी हो और पाई बांड भी हो यहाँ पे देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है दिस इज the... साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन में सभी के पास सिग्मा सारे यहाँ पे सभी सिग्मा बांड से लिंकिंग है सिग्मा बांड। दिस इज दिग्मा नोटेशन ऑफ दिस सिग्मा एंड सिग्मा दिस आल्सो all is the linking sigma bond okay sabhi yahan pe sigma bond honge yahan pe inko dekhiye sabhi sigma bond so this is the self linking that is known as the catenation i hope clear that catenation kya hota hai और सारे heptane बना सकता है मे बी आप यहाँ पे हेप्टेन भी बना दें हेप्टेन ये बना लेंगे हेप्टेन हो गया है साइक्लोहेप्टेन इसको हम साइक्लोहेप्टेन बोलेंगे यह भी कैटनेशन है और लंबी चेन बना सकते हैं ये फाइव कार्बन से या हो सकता है यहां से कार्बन जुड़ा हो यहां से कार्बन जुड़ा हो यहां से कार्बन जुड़ा हो और ये कार्बन जुड़ा हो इस तरह ये भी सेल्फ यहां पे सेल्फ लिंकिंग हो रही है तो ये कैटनेशन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कैटनेशन आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैटनेशन क्या होता है ओके okay? एंड अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स है ना कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे तो प्लीज हेडिंग डालिएगा और एलोट्रोप्स सबसे पहले हेडिंग डालिए इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो डायमंड पढ़ेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स हैं डायमंड और ग्रेफाइट डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन टू, जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट इज फर्स्ट इज डायमंड एंड सेकेंड इज ग्रेफाइट तो हेडिंग डालिए डायमंड डायमंड यहां पे पढ़ेंगे ये फर्स्ट एंड सेकंड इसका पढ़ेंगे ग्रेफाइट ओके okay? तो ग्रेफाइट भी आप इसको हेडिंग डाल लीजिए ग्रेफाइट दिस इज द सेकंड इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे ओके okay? तो फर्स्ट इज़ डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है और डायमंड का डायमंड uh, का स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है और इसकी लिंकिंग uh, कैसे होती है ये हम देखेंगे और इसमें करंट पास होगा कि नहीं पास होगा कंडक्टर है या नहीं है तो यहाँ पे ये चीज़ें हम देखेंगे कंडक्टर गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर वाट और यहाँ पे इसकी हार्डनेस चेक करेंगे डायमंड कितना हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है कलरफुल होता है या कलरलेस होता है तो यहाँ पे यह डिस्कस करेंगे आइए प्रॉपर्टी को नोट करते हैं इंपॉर्टेंट है इट इज ए कलरलेस पहला है इट इज़ ए इट इज ए कलरलेस कलर कलरलेस ओके तो ये कलरलेस डायमंड आपने देखा होगा डायमंड क्लास कलरलेस होता है ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस ओके तो डायमंड आपका कलरलेस होता है ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर यहाँ पे हम नोट करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इट हाइव इट्स हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इट्स Refractive Refractive index, okay? It is the uh, index, high refractive index. It is the hardest, it is the hardest. It uh, third point is. इट इज दार्डेस्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है ओके इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फोर्थ पॉइंट इट डज नॉट कंडक्ट electricity due to due to okay due to absence of due to absence of absence of free electron okay absence of free electron इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस हम सबसे पहले अगर देख लें तो और समझ में आएगा यहाँ पे आप देखिए इस तरह कुछ स्ट्रक्चर इसका होगा टेट्रावलेंट होते हैं टेट्राइल मतलब फोर कार्बन से जुड़े हुए ऐसे है ना तो हम इस तरह कुछ ऐसे इसको डिजाइन कर लेंगे देखिए यहाँ पे टेट्रावाइलेंट हो रहा है तो इसी तरह ये होंगे, ओके सभी ऑल कार्बन सेंटर इट इज अ तो आप इसको दिखा देंगे तो इस तरह ये स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल होते हैं तो टेट्रावाइलेंट होते हैं यहाँ से पीछे थ्री डायमेंशन में अब यहाँ पे नहीं पॉसिबल है तो सभी कार्बन एवरी कार्बन अटैच टू फोर कार्बन प्योर कार्बन से ये मिल मिल करके बना हुआ होता है तो इस तरह हम इसको स्ट्रक्चर इस ऐसे दिखा दें ये तो ये ऐसे हुआ कि इस कार्बन से ये चार कार्बन जुड़े हुए हैं अब इस कार्बन से फिर ये चार कार्बन जुड़ रहे होंगे इस तरह जुड़ रहे होंगे ऐसे है ना तो यहाँ पे इस कार्बन से ये फोर कार्बन जुड़ रहे होंगे तो इस तरह हम दिखा सकते हैं आई होप क्लियर हो रहा होगा कि इसी तरह की ये टेक्ट्रावलेंटी ट्रा uh, लिंकेज होते हैं यहाँ पे सभी कार फोर फोर वैलेंसी यहाँ पे शो करेंगे एवरी कार्बन ओके दिस इज द डायमंड आई होप क्लियर हो पा रहा होगा द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ओके तो प्लीज ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बट इट बट इट हैज यहाँ पे आगे लिखिए बट इट हैज हाई बट इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अब मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा ओके okay?

रिजिट थ्री डायमेंशन एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस मोर ओवर ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर टू ब्रेक द नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड क्रिस्टल, बिफोर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई ओके डायमंड कैन बी प्रिपेयर आर्टिफिशियली बाई सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन ये डायमंड जो बनता है ये प्योर कार्बन से बनता है है ना वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर थेटिक डायमंड आर स्मॉल बट ए इंगेबल फॉर्म नेचुरल डायमंडर और टेम्परेचर पे प्रिपेयर किया जाता है प्योर कार्बन से डायमंड का फॉर्मेशन होता है हर कार्बन का हर कार्बन अपने फोर कार्बन से अटैच होते हैं जैसे ये यहाँ पे देखिए ये कार्बन फोर कार्बन से अटैच हैं तो ये यह बहुत यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने की uh, कोई स्पेस नहीं होता इसीलिए लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है नॉन कंडक्टिंग होता है कंडक्टिंग नहीं होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोबाइल नहीं कर सकते हैं कलर ये डायमंड कलरलेस होता है हार्ड होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है तो ये डायमंड की प्रॉपर्टीज रही तो इस तरह स्ट्रक्चर इस आप इसकी बना सकते हैं अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रेफाइड ग्रेफाइड कलर में होता है ओके कलर कलर में होता है और यहाँ पे ग्रेफाइट का इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है वहाँ पे एक हर एक कार्बन तीसरे तीन कार्बन से जुड़े हुए होते हैं एक एक वैलेंसी फ्री होती है इसीलिए वो कंडक्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन वहाँ मूव कर सकते हैं ओके तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी कम होती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और उसकी प्रॉपर्टी लिखिए तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट, ओके स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले आप ये साइक्लोहेक्सेन बनाए ये कार्बन है कार्बन सेंटर दिस इज द कार्बन सेंटर दिस इज द कार्बन सेंटर, एंड ओके ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो एक इसकी लेयर होती है है ना? एक इसकी लेयर होगी तो यहां पे हम इसको अगर आ, कुछ ऐसे बनाएं लेयरिंग कर दे रहे हैं फिर यहाँ पे आप एकदम से सही से क्लियर हो जाएंगे ये एंड नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर हम बना रहे हैं यहाँ पे ये सेकेंड लेयर है फिर क्लियर हो जाएगा आपको जैसे डिफिनीशन लिखेंगे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफिनीशन क्या कह रही है ये एवरी कॉर्नर है जो डार्क से दिखा रहे हैं एक कार्बन सेंटर है ये तो इस तरह है तो यहाँ पे ये इससे यहाँ पे हम इसको दिखा दें ये इससे अटैच है ये इससे अटैच है और ये ये इससे अटैच है इस तरह ये है ना तो यहाँ पे देखिए थ्री तीन का एक कार्बन एक कार्बन थ्री कार्बन से यहाँ पे अटैच है ओके अब ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है तो इसकी थ्री हो गई है ना तो इस तरह ये होता है तो ये ऑफ द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे तो इसको आप बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा आई होप क्लियर हो पाया होगा कि डायमंड क्या होता है अब ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे ओके तो अब देखिएगा ग्रेफाइट, इट इज ए ग्रेइस ब्लैक फर्स्ट इज इट इज द ग्रेस ग्रे कलर का होता है आप पेंसिल देखे होंगे पेंसिल आपने बचपन में खूब यूज किए होंगे ओके एंड सेकेंड पॉइंट अगर बात करते हैं इट इज लाइटर देन डायमंड इट इज़ लाइटर डायमंड डायमंड ये बहुत हल्का होता है ओके इट इज ए गुड कंडक्टर थर्ड प्रॉपर्टी इट इज द गुड गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके प्रेजेंस ऑफ फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है क्योंकि कार्बन की बैलेंसी फोर होती है तो एक इलेक्ट्रॉन तो अब ये फ्री हो गया ना ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये मोबाइल करता रहता है यही कंडक्टिंग uh, कराता रहता है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी ओके तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये है एंड बट बट बैड कंडक्टर बैड कंडक्टर ऑफ हीट तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें तो हीट देने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी ओके आ, ए ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन ऐटम्स ऑफ सीड्स ऑफ कार्बन ऐटम्स ईच कार्बन ऐटम इज ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइन टू थ्री अदर कार्बन ऐटम्स बाई स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए फ्लैट हेक्सागोनल रिंग हाउ यर द फोर्थ फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन फ्री विच मेक इट इट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम्स ग्रेफाइट आर हेल्ड टूगेदर इसके जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कराता रहता है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर तो कभी आप ऐसा ना करें कि बोर्ड में पेंसिल लगा के ऐसे अगर आप पकड़ते हैं पीछे से ऐसी उंगली रखेंगे तो ये आपको करंट तुरंत मार देगा ओके तो इस चीज को ध्यान में रखें अब हम यहाँ पे देखेंगे आ, बक मिनिस्टर फ्लोरिन क्या होता है बक मिनिस्टर साइंटिस्ट थे उन्होंने सी सिक्सटीन का स्ट्रक्चर बनाया तो आइए चलते हैं बक मिनिस्टर साहब के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं